हेलो क्लास सेकंड, गुड मॉर्निंग। रीड द चैप्टर 14 जीके अवर नाइबरहुड। द हाउस एंड द प्लेस नियर एंड अराउंड अवर होम मेकअप अवर नाइबरहुड। हमारे घर के आसपास जो जगह होती है, जो हमारा एरिया होता है, वहाँ हमारे जो रहते हैं लोग, उन्हें हम पड़ोसी बोलते हैं। द पीपल हु लिव नियर इस आर कॉल्ड अवर नाइबरहुड नाइबर्स। तो हमारे जो लोग हमारे पास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन अवर नाइबरहुड। चलो हम देखते हैं कि ज़रूरी जगह होती है जहाँ ये लोग कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारे पड़ोस में। फर्स्ट है हमारा बैंक। पीपल कीप देयर मनी इन द बैंक। लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। द बैंक आल्सो लेंड मनी। बैंक से हम पैसा उधार ले सकते हैं। द पीपल सेटिंग एट द केस काउंटर आर कॉल्ड टेलर्स। जो व्यक्ति केस काउंटर पर बैठता है वो टेलर्स कहलाता है। नो नाउडेज ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ATMs। लेकिन अब क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन्स, इसको हम ATM बोलते हैं, अब वह रखी जाती है। Standard by most banks, people can easily do most of their bank work through this machine when the bank is closed. तो जो people, जो लोग होते हैं bank के अंदर, तो वो इस machine से, ATM से, उस काम को बहुत आसानी से और जल्दी कर लेते हैं bank बंद होने के बाद। Next है हमारा hospital। When someone is very ill or has an accident, he is taken to a hospital. जो लोग हॉस्पिटल, क्या होता है यहाँ, जो लोग एक्सीडेंट हो जाता है या बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल में ले जाते हैं। In a hospital, there are many doctors and nurses. हॉस्पिटल के अंदर क्या, कौन होता है? हमारे डॉक्टर्स और नर्स। दे टेक केयर ऑफ द सिक। These six people are called patient. तो वो क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है, जो उसको बुखार या किसी को एक्सीडेंट हुआ है या बुखार आया या कुछ भी हुआ है, उसे जो पेशेंट होता है उसकी देखभाल करते हैं। Beside the hospital is a medicine shops that sells medicines. और हॉस्पिटल के पास में क्या होता है, एक मेडिकल शॉप होता है जिससे यहाँ हम दवाइयाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है मार्केट। एवरी नाइबरहुड हैज़ अ मार्केट। ए मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। एट द मार्केट वी कैन बाय वेजिटेबल्स, ग्रोसर्स, स्टेशनरी एंड क्लॉथ्स। द मैन हु सेल्स एक्ट्रिकल्स इज कॉल्ड ए शॉपकीपर। मार्केट में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पड़ोस में ज़्यादातर क्या होती हैं, मार्केट होती हैं आसपास कहीं। तो उस मार्केट में क्या होता है कि दुकानें होती हैं किस चीज़ की, वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, फलों की, स्टेशनरी, ये सब ज़रूरी सामान होता है उसकी, और परचूने की दुकान बोलते हैं इसको आप, वो कपड़ों की। तो सभी तरह की मार्केट के अंदर क्या होता है, दुकानें होती हैं, जो हमारी ज़रूरत का सामान है हम वहाँ से लेके आते हैं, और जो दुकान पर बैठ कर उस चीज़ों को बेचता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉपकीपर, दुकान वाला। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस। डू यू नाउ ए पोस्ट ऑफिस वर्क। यू राइट ए लेटर टू अ फ्रेंड एंड क्लियरली राइट द फ्रेंड्स एड्रेस ऑन द एनवेलप। हमारा पोस्ट ऑफिस में क्या, हम पोस्ट ऑफिस में क्या काम करते हैं, लेटर्स जो हम दो, हम जो अपने दोस्तों को या अपने फैमिली को या किसी को जो लेटर्स लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं, तो वो क्या होता है, उसका लिफाफे में रखकर उसे हम एड्रेस लिखकर डाल देते हैं। देन यू पुट ए पोस्टेज स्टाम्प ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स। हम उस पर टिकट लगाकर, एड्रेस लिखकर, लिफाफे में डालकर उसे कहाँ रखते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं। ए पोस्टमैन विल कलेक्ट द लेटर एंड टेक इट टू द पोस्ट। एक पोस्टमैन जाकर उन लेटर्स को क्या करता है,
टेक यानी ले लेता है, इकट्ठा कर लेता है. ऑफिस इन योर सिटी फ्रॉम देयर इज विल बी सेंड टू द प्लेस यू हैव राइटन ऑन द एनवलोप. और वो क्या करता है, उसको पोस्ट ऑफिस ले जाता है वहाँ से सिटी के अंदर जो होता है, और उसे एड्रेस पढ़ते हैं. और एड्रेस पढ़ने के बाद अपने सिटी के जो स्टाफ होता है, जैसे कि कुछ पोस्टमैन इस जगह जाएंगे, कुछ पोस्टमैन दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको उसके हिसाब से वो लेटर्स देते हैं. डिफरेंट पोस्टमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस विल शॉर्ट द लेटर्स एंड गिव इट टू डिफरेंट पोस्टमैन टू ड्रॉप देम एट द करेक्ट एड्रेस. और जो अलग अलग पोस्टमैन हैं वो उनको कहाँ करेक्ट एड्रेस, जो सही जो जगह होती है, एड्रेस जो डला होता है वहाँ उसे भेजते हैं. एट द पोस्ट ऑफिस वी कैन आल्सो बाय स्टाम्प पोस्ट कार्ड एंड स्लेन लेटर्स. और पोस्ट ऑफिस में हम क्या लेते हैं, स्टाम्प पोस्ट कार्ड, जो जिसमें हम पोस्ट कार्ड या चिट्ठियाँ लिखते हैं वो, एंड स्लेन लेटर. नेक्स्ट है हमारा पुलिस स्टेशन. देयर इज ए पुलिस स्टेशन इन एवरी नाइबरहुड, मैनी पुलिसमैन एंड पुलिसमैन वर्क देयर. पुलिस स्टेशन क्या होता है, यहाँ पुलिस रहती है, पुलिसमैन रहते हैं. यह हमारे कैसे पड़ोसी हैं, वर्क देयर. इट इज़ देयर ड्यूटी टू सी डेट द नाइबरहुड इज सेफ फ्रॉम थिम्स एंड डेट ट्रैफिक मूव स्मूथली. तो उनका क्या होता है, उनकी वो क्या देखते हैं कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, और सब पे नज़र रखते हैं, और ट्रैफिक को भी देखते हैं कि जो ट्रैफिक है वो आराम से चलता रहे. द पर्सन वो कंट्रोल द रोड ट्रैफिक इज़ कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस. और जो कंट्रोल, जो रोड वाला कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ पर जो इन गाड़ियों को देखता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस. ओके चिल्ड्रन, तो आपको ये सब मैंने चैप्टर 14 जीके का समझा दिया है. तो ये हमारे नाइबरहुड हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कुछ खास हैं, तो इनको हम रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे.